डियर स्टूडेंट्स, आज अपन यूनिटरी ऑपरेटर पर एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम है कि एस एंड टी बी यूनिटरी ऑपरेटर्स ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, देन फर्स्ट अपन देखेंगे एस टी इज यूनिटरी। एस टी है वो यूनिटरी ऑपरेटर है। सेकंड अपन देखेंगे कि नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 1 प्रोवाइडेड H not equal to single elements, zero element का सेट। तो फर्स्ट अपन आपको दिया हुआ है कि S and T यूनिटरी ऑपरेटर हैं, तो लेट S and T आर यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर्स। देन बाई डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर एस स्टार या यूँ कहें कि एस का एडजॉइंट एस इक्वल टू आई, एंड टी भी यूनिटरी ऑपरेटर है, तो टी स्टार टी इक्वल टू आई। इसको नंबर एक कह दें, ये दो नंबर कह दें, अपने को एस टी को यूनिटरी ऑपरेटर दिखाना है। इन दोनों रिजल्ट को आपको यूज करना है। एस टी को यूनिटरी ऑपरेटर दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि एस टी का एडजॉइंट इक्वल टू एस टी का एडजॉइंट एस टी इक्वल टू आई। तो सिंस एस टी का एडजॉइंट इक्वल टू ये आ जाएगा एस टी, और आपको बताया था एस टी का एडजॉइंट है वो टी का एडजॉइंट और एस का एडजॉइंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसको अपन फॉलो करें तो ये आ जाएगा एस टी टी का एडजॉइंट एस का एडजॉइंट इक्वल टू एस। नंबर दो को यूज करें तो ये आपका आइडेंटिटी मैप आ जाएगी और एस का एडजॉइंट ये आ जाएगा एस का एडजॉइंट इक्वल टू नंबर एक को यूज करें तो आई। तो ये आपका आ रहा है बाई सेकेंड, ये बाई फर्स्ट, तो अपने पास ये आ गया एस टी का एडजॉइंट इक्वल टू आई। नंबर तीन कह दें, अब अपन देखेंगे एस टी का एडजॉइंट अभी जो किया था उसी तरह एस टी इक्वल टू ये हो जाएगा टी का एडजॉइंट एस का एडजॉइंट एस टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो ये आ जाएगा टी का एडजॉइंट एस का एडजॉइंट एस और टी। अगेन नंबर एक को यूज करें तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्मेशन और आई टी बाई फर्स्ट इक्वल टू टी का एडजॉइंट और टी इक्वल टू ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर ये बाई सेकेंड। तो अपने देखा कि एस टी का एडजॉइंट एस टी इक्वल टू आई। नंबर चार लगा दें तो थर्ड एंड फोर्थ इम्प्लाइज, फोर्थ इम्प्लाइज एस टी का जॉइंट इक्वल टू एस टी का जॉइंट एस टी इक्वल टू आई। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एस टी है
इज यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर। तो इस तरह से अपन ने देखा कि यदि एस और टी यूनिटरी ऑपरेटर है तो एस टी भी यूनिटरी ऑपरेटर होगा। अब अपन दिखाएंगे नॉर्म, सेकंड जो पार्ट है इसका, कि नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू वन। अपन जानते हैं कि नॉर्म ऑफ टी क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स होता है, प्रोवाइडेड नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, वेयर नॉर्म ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू वन है। तो यदि अपन नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स दिखा दें तो अपने पास नॉर्म ऑफ टी है वो वन आ जाएगा, वो कितना जाएगा, वन आ जाएगा। तो टी आपका यूनिटरी, तो फर्स्ट अपन सेकंड जो पार्ट है उस सेकंड पार्ट के लिए अपन पहले नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू दिखाएंगे, नॉर्म ऑफ टी एक्स वो नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर है ये अपन को दिखाना है। तो इसको अपन सीधा तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपन इसको स्क्वायर ले लें और इनर मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख दें। तो टी एक्स का इनर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, इस टी को दूसरे के साथ में ले जाइए तो टी का एडजॉइंट टी एक्स का इनर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू एक्स और टी का एडजॉइंट टी और एक्स, इस तरह से लिख दीजिए। नंबर दो है उसको यूज करें तो यह आ जाएगा एक्स आई एक्स बाय सेकेंड इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अपन देख रहे हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स वो आ गया का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर फॉर ऑल एक्स, तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। इसको नंबर चार तक, तीन चार पाँच लगा देते हैं, इसको आपको यूज करना है। तो यहाँ आपको नॉर्म ऑफ टी दिखाना है, तो सिंस नॉर्म ऑफ टी है वो होता है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लेस देन इक्वल टू वन। तो इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, क्योंकि एच नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई फाइव, पाँच से। तो ये आ जाएगा सुप्रीमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। सो नॉर्म ऑफ टी है वो कितना आ गया, एक आ गया। इस तरह से अपन इन दोनों रिजल्ट्स को अपन करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन पर प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन, तो एन ऑपरेटर पी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज प्रोजेक्शन ऑन एच इफ एंड ऑनली इफ पी स्क्वायर इक्वल टू पी, यदि पी स्क्वायर बराबर पी है तो ये जो ऑपरेटर है पी ऑन एच वो क्या कर, क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन ऑन एच हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। तो मीन्स ये जो ऑपरेटर पी है, देखिए ये जो ऑपरेटर आपका पी है, ये पी ऐसे एच के अंदर,
कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि यदि x h का एलिमेंट्स है तो पी एक्स है वो भी किसका एलिमेंट्स है, h का ही एलिमेंट्स है। तो इस प्रोजेक्शन की यदि अपन रेंज m ले लें तो m के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, पी एक्स टाइप के, जहाँ x h का एलिमेंट्स है। और यदि n है उसका नल स्पेस ले लें, अर्थात वो हिल्बर्ट स्पेस एच के एलिमेंट्स जिनकी पी इमेज एच का जीरो एलिमेंट्स हो, वो आपके पास है इस प्रोजेक्शन के, वो क्या है, नल स्पेस कहलाता है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ देखेंगे कि इफ M and N are range and the null space of a projection projection P on H respectively, then M है इसके अंदर पी एक्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे, such that X एलिमेंट्स है H का, and एन में वो हिल्बर्ट स्पेस एच के एलिमेंट्स होंगे जिनकी पी एक्स इमेज है वो जीरो एलिमेंट्स है हिल्बर्ट स्पेस एच का। अपन ने देखा था कि ये क्लियरली बहुत एम और एन है वो लीनियर सब स्पेस हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एम है वो भी सबसेट है एच का, एन है वो भी सबसेट है एच का, और ये आपके दोनों क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हैं हिल्बर्ट स्पेस एच के। यहाँ हिल्बर्ट स्पेस भी हो सकता है, बनाक स्पेस भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। हिल्बर्ट स्पेस के अंदर भी है, और यदि कहीं आपके पास है बनाक स्पेस आ जाए तो भी एक ही बात है। Clearly, M and N both are closed linear subspace of H. आपकी आपको मैं आगे वाली कक्षा में पूछूंगी कि ये आपके पास है क्लोज लीनियर सब स्पेस कैसे हैं, आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एग्जाम में आता है कि आपके पास प्रूव दैट द रेंज एंड नल स्पेस ऑफ द प्रोजेक्शन पी ऑन एच इज क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ एच, तो वहां पर आपके पास क्लियरली वर्ड्स है उससे काम नहीं चलेगा। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, M और N को आपको लीनियर सब स्पेस दिखाना है ऑफ एच, तो क्या है आपको दिखाना है कि यदि हिंट के रूप में अपन बात करें तो जैसे M को या N को बात करूँ मैं पहले, N को सब स्पेस दिखाना है लीनियर सब स्पेस, तो अपने पास क्या है एक्स वन एन का एलिमेंट्स ले लिया, एक्स टू एन का एलिमेंट्स ले लिया, अल्फा और बीटा एनी स्केलर ले लिए, और आप दिखा दें कि अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू है वो एन का एलिमेंट्स है, तो ये आपका सब स्पेस हो जाएगा। देखिए एक्स वन एन का एलिमेंट्स है तो एन की डिफिनेशन क्या समझना था, पी एक्स वन बराबर जीरो, एक्स टू एन का एलिमेंट्स है तो पी एक्स टू बराबर जीरो, और इसको n का एलिमेंट्स दिखाना है तो आप देखिए कि p
अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू को जीरो दिखाना है। पी आपका प्रोजेक्शन है तो क्या जाएगा, अल्फा पी एक्स वन प्लस बीटा पी एक्स टू। प्रोजेक्शन है तो मीन्स लीनियर, प्रोजेक्शन है तो मीन्स ऑपरेटर है, ऑपरेटर है तो मीन्स लीनियर है, तो ये आ जाएगा। और इसके अंदर पी एक्स वन और पी एक्स टू का मान जीरो रखेंगे और तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसी तरह आपको दिखाना है कि M है वो लीनियर सब स्पेस है, और उसके बाद में क्लोज्ड की वो आपको आता है तो ठीक है, नहीं अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।